सब्सक्राइब करें कार एंड बाइक पीडिया चैनल को कार और बाइक से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट न्यूज, व्यूज और रिव्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट धीरे धीरे इंडिया में जोर पकड़ता जा रहा है और इसमें 250 सीसी की बाइक्स का काफ़ी अहम रोल है। कुछ साल पहले तक 250 सीसी सेगमेंट में एक या दो बाइक्स का ऑप्शन ही मिलता था, लेकिन अब इंडियन मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शन मौजूद है। 250 सीसी की बाइक्स इंडियंस को काफ़ी पसंद आ रही हैं और इसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक वाली परफॉर्मेंस दे रहती हैं, दूसरा ये अच्छी माइलेज और अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ आती हैं। आज के वीडियो में हम इंडियन मार्केट में अवेलेबल बेस्ट 250 सीसी वाली बाइक्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अगर आप एक 250 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए। करंटली इंडियन मार्केट में टॉप 250 सीसी की बाइक्स हैं बजाज डोमिना 250 सीसी, KTM 250, यामा FZ 250 और सुजुकी जिक्सर 250। शुरू करते हैं इनके डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन हर एक की इंडिविजुअल परसेप्शन है, लेकिन फिर भी इन चारों में हर एक बाइक एक सिलेक्टिव पर्पज़ के लिए ली जा सकती है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर फंकी कलर पसंद करते हैं और शार्पर लुक्स वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो KTM ड्यूक 250 बाकी इन तीनों बाइकों से बेहतर है। वहीं अगर आप एक डेली कम्यूट के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं जो वीकेंड की ट्रिप के लिए भी यूज़ की जा सके तो सुजुकी की जिक्सर को लिया जा सकता है। ये बाइक अपने सिंपलर लुक्स के साथ एक अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज प्रदान करती है। वहीं अगर आपको एक शार्पर डिज़ाइन और एक वेल रिफाइंड इंजन वाली बाइक चाहिए जो आपके डेली नीड्स के साथ साथ आपको एक राइडिंग का मज़ा भी दे तो यामा FZ 250 को आप चूज़ कर सकते हैं। वहीं लास्ट में अगर आपको एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक चाहिए जिसका डिज़ाइन भी मैच्योर हो और जो देखने में काफ़ी बड़ी और बल्की लगे तो आप डोमिना 250 के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फ़िज़िकल डायमेंशंस की। तो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा भारी डोमिनार 250 है जिसका बल्कि डिज़ाइन इसे 180 केजी का वेट प्रोवाइड करता है। वहीं 153 कर्व वेट के साथ यामा FZ 250 सबसे हल्की है। कम वेट होने की वजह से ये बाइक ज़्यादा एजाइल और इजी टू राइड है। बड़ा व्हील बेस हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इस सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस भी डोमिनार 250 सीसी में ही मिलेगा। इसके अलावा बड़ा व्हील बेस होने की वजह से मैनुवेबिलिटी कम हो जाती है और इसलिए सुजुकी जिक्सर अपने सबसे छोटे व्हील बेस के कारण इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इजी टू राइड और मैनुवेबल बाइक है। ग्राउंड क्लीयरेंस इंडियन रोड कंडीशन के में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस KTM ड्यूक 250 में मिलेगा। वहीं सबसे कम ग्राउंड क्लीयरेंस 157 mm का डोमिनार 250 में मिलता है जो इसकी प्रोट्रूडिंग इंजन काउल की वजह से है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। इन सब की टैंक कैपेसिटी लगभग सेम ही है, लेकिन 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ यामा FZ 250 आपको सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कराती है। अब चलते हैं इन बाइक से मिलने वाले इंजन ऑप्शंस पर। तो सबसे ज़्यादा पावर इस सेगमेंट में KTM की ड्यूक 250 प्रोवाइड कराती है जिसका 248 सीसी का इंजन 30 PS की पावर जनरेट करता है। हालांकि डोमिनार में भी सेम KTM वाला 250 सीसी का इंजन को यूज़ किया गया है विद ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी, फिर भी ये बाइक अपना हैवी वेट होने का खामियाजा भुगतती है और 27 PS की पावर जनरेट करती है। वहीं इस सेगमेंट में सबसे कम पावरफुल बाइक यामा की FZ 250 है जो सिर्फ 20.8 PS की पावर जनरेट करती है, लेकिन कम वेट होने की वजह से ये अपने पावर टू वेट रेशियो को मेंटेन कर लेती है। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो आपको KTM की ड्यूक 250 में मिलेगा। KTM की बाइक्स हमेशा अपने ज़बरदस्त एक्सीलरेशन के लिए जानी जाती है और KTM ड्यूक 250 भी इसको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस सेगमेंट में लोग अक्सर फन टू राइड वाली बाइक्स लेने के लिए आते हैं और इन चारों बाइक से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो जान लेते हैं इनके एक्सीलरेशन फिगर्स को। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सबसे फास्ट आप KTM की 250 में हासिल कर सकते हैं सिर्फ 3.51 सेकंड्स में। ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि KTM का पावर टू वेट रेशियो बाकी बाइक्स के मुकाबले ज़्यादा है। वहीं 0 to 100 और क्वार्टर माइल में भी KTM 8.49 सेकंड्स और 16.4 सेकंड्स के साथ सबसे आगे है। अपने हैवी वेट होने की वजह से डोमिनार 250 इन फिगर्स में सबसे पीछे है। वहीं KTM के साथ दूसरे नंबर पर सुजुकी की जिक्सर आती है जो KTM को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, जितना ज़रूरी इन बाइक्स का हाई स्पीड अटेन करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस हाई स्पीड को कंट्रोल करना और नॉर्मल कंडीशंस पे बाइक को लेके आना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की जो इस सेगमेंट के बाइक्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जीरो पे आने की बात करें तो इसमें सबसे फास्ट सुजुकी जिक्सर 250 करती है, जो 51.38 मीटर के अंदर रुक जाती है। वहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जीरो पे आने की बात करें तो ये काम यामा की बाइक 30.02 मीटर के अंदर कर लेती है। वहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आने की बात करें तो ये भी यामा की FZ25 15.85 मीटर के अंदर कर लेती है। अपना भारी वेट होने के बावजूद डोमिनार KTM से अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देती है और हर स्पीड पर उसे काफ़ी जल्दी और कम डिस्टेंस के अंदर रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ ही बने हुए घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इन बाइक्स को सिटी ड्राइविंग के साथ साथ हाईवे क्रूजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जैसे कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियंस को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बेहतर माइलेज भी चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए इनके माइलेज फिगर्स को जान लेते हैं। तो सिटी ड्राइविंग के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज आपको यामा की FZ25 में मिलेगी, क्योंकि इस बाइक को स्पेसिफिकली सिटी ड्राइविंग के लिए बनाया गया है, जिसके इंजन आउटपुट को कम करके माइलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हाईवे क्रूजिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको सुजुकी जिक्सर 250 से मिलेगी, जिसके अंदर आप 41 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल KTM का प्रदर्शन भी काफ़ी संतुलित है और ये हाईवे और सिटी दोनों के अंदर ही एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे देती है। अगर डोमिनार की बात करें तो डोमिनार भी 34 और 35 के बीच में ही सिटी और हाईवे के अंदर माइलेज प्रोवाइड करा देती है। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। तो KTM ड्यूक 250 इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और ये बाइक की कीमत 1.79 लाख एक्स शोरूम है, जो ऑन रोड 2 लाख से ऊपर चली जाती है। वहीं सबसे सस्ती बाइक इस सेगमेंट में यामा की FZ25 है, जिसका प्राइस 1.52 लाख एक्स शोरूम है। डोमिनार 250 और सुजुकी जिक्सर का प्राइस आसपास ही है। लास्ट में बात कर लेते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में। तो अगर आपको एक फन टू राइड फंकी प्रीमियम लुकिंग बाइक चाहिए जो आपको माइलेज के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस भी दे, तो आप KTM 250 cc को ले सकते हैं। लेकिन KTM की ये बाइक अपने ज़बरदस्त एक्सेलरेशन के लिए ही बदनाम है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन KTM ने अपने नई सीरीज़ के अंदर काफ़ी सुधार किए हैं, फिर भी ये बाइक्स एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए ही बनी है। वहीं अगर आपको एक मैच्योरिश लुकिंग बल्की डिज़ाइन वाली विद गुड राइडिंग पोजीशन एंड सिटिंग कंफर्ट, एंड अगर आपके काम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, तो डोमिनार को चूज़ किया जा सकता है। ये बाइक अपने लीनियर एक्सीलरेशन के लिए जानी जाती है। इसी के साथ ही रिसेंट अपडेट के अंदर इसमें USD फॉक्स और काफ़ी सारे अपडेट्स दिए हैं, जिसके कारण इसका राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल है। वहीं अगर आप यामा के फ़ैन हैं और आपको एक बल्कि टैंक डिज़ाइन वाली बाइक चाहिए जो आपको ना सिर्फ अच्छी माइलेज प्रोवाइड करे बल्कि आपके डे टू डे कम्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक भी हो, तो आप यामा FZ25 को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स के मुकाबले इसका इंजन कम पावरफुल है। और वहीं लास्ट में अगर आपको एक मेनली सिटी सेंट्रिक बाइक चाहिए जो ओकेजनली हाईवे क्रूजिंग के लिए भी यूज़ की जा सके, और यदि आपको एक ज़्यादा तड़क भड़क वाली बाइक नहीं चाहिए, तो आप सुजुकी की बाइक को ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको 250 cc की बाइक खरीदने में आसानी होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो।